सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना परिसर और बेड़न में आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, सीएसपी देवेश पाठक व थाना प्रभारी अरुण पांडे की उपस्थिति में ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर को ग्राम नगर रक्षा समिति अध्यक्ष भदौरिया द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर व सीएसपी व कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे ने सम्मेलन में कहा कि जिले के ग्राम और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को अपने आसपास आपराधिक गतिविधियों से संबंधित घटना घटने से पूर्व स्थानीय थाना को सूचना देवे, ताकि अपराध में कमी आए और वही अपराध होने से रोका जा सके। वहीं उक्त सम्मेलन में जिक्र किया गया कि जिले में पुलिस की कमी के कारण पुलिस हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती है, इसलिए शासन के निर्देशानुसार ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें अपने आसपास और औद्योगिक क्षेत्र होने के कई बार यहाँ के लोग विस्थापित हुए हैं और विस्थापन होते ही मुआवजा वाली जगह पर जाकर बाहर की चीट फंड कंपनियां अपने स्थानीय स्तर पर एजेंट बनाकर 2.5 से 3 साल व 5 साल में धन को दुगना धन करने के चक्कर में विस्थापितों जनता की गाढ़ी कमाई के रुपयों को लेकर चीट फंड कंपनियां रफू चक्कर हो जाती है। तब वह पुलिस थाने में आकर अपनी आप बीती बताते हैं और इससे बचे और विस्थापित व आम जनता राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपने रुपए को जमा करें। और वही महत्वपूर्ण सुझाव सम्मेलन में दिए गए। सर, आज ग्राम रक्षा समिति का सम्मेलन था कोतवाली थाने में, कोविड की वजह से कम संख्या आई थी, क्या कहेंगे? आज हमने ग्राम रक्षा और नगर रक्षा समिति का सम्मेलन बुलाया था, उसमें उनके ड्यूटी उनकी कर्तव्य के बारे में बरसात थी, ताकि उनको अपने दायित्वों के बारे में बताया जा सके, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया जा सके, पुलिस की क्या अपेक्षा है और उसको कैसे करना है निष्पक्षता के साथ में और पवित्रता के साथ में, ये आज वर्कशॉप में उनको बताया गया, समझाया गया क्या क्या उसे अपेक्षा पुलिस विभाग करता है और उसका संपादन, उसका क्रियान्वयन वो अपने जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका घर है, उन ग्रामों में, उन नगर के वार्डों में कैसे उसको संपादित करें, ग्राम और नगर की सुरक्षा कैसे करें, इस बारे में एक वर्कशॉप था। आज उनको वर्कशॉप में उनकी ड्यूटियों के बारे में बताया गया, उनको सक्रिय रहने के बारे में बताएगा, कानून के उपबंध और नियम के बारे में बताएगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिंगरौली से आध्या तिवारी की रिपोर्ट।